सो लेट मी स्टार्ट टूडेज लेक्चर। बेटे आज का जो लेक्चर है, मैंने कहा हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि कैसे फॉर्मेशन हुई और किस तरह से फॉर्मेशन हुई। सी, इससे पहले कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ें, एक चीज हमें याद रखनी जरूरी है कि हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत सालों तक बेटा यूज किया, और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल वॉज बेस्ड ऑन व्हाट? एटॉमिक मास। और उसकी तीन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ये रही थी कि भैया उसमें एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एक्सप्लेन नहीं था, ठीक, कि क्यों प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल सेम हो जाती हैं, दैट कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी वाज नॉट क्लियर एट ऑल, ठीक। और दूसरी जो प्रॉब्लम हमारे पास रही थी, दैट इज पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स, वो भी क्लियर नहीं थी। और तीसरा था हमारे पास सम एनोलमस पेयर्स, देयर वर सम एनोलमस पेयर्स, ठीक, यानी जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था वो पहले रख दिया गया, जिनका एटॉमिक मास कम था वो बाद में रखा गया। ये चंद जो काफी सारी उसकी ड्रॉबैक्स थी, उसमें तीन मेजर ड्रॉबैक्स ये रही, और भी ड्रॉबैक्स थी बट ये तीन मेजर ड्रॉबैक्स थे, ये ध्यान में रखना। और दूसरी बात ध्यान में ये रखना कि पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव वॉज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ही मेड इट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और उसके लिए अपना अपना लॉ भी दिया था जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी बोलते हैं, कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की जो होती है उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। ये हम पढ़ चुके, ठीक। आज हम शुरुआत करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले कि उसकी डिवेलपमेंट हुई कैसे। So there was a very famous experiment called as Moseley's experiment. Moseley's experiment. अब Moseley ने क्या किया बेटे जी? Moseley ने एक ऐसा metal ले लिया बेटा, hard metal, like nickel, like प्लेटिनम, प्लेडियम, ऐसा कोई हार्ड मेटल बेटा ले लिया गया। तो दिस वॉज अ हार्ड मेटल भी है, हार्ड मेटल, और बेटा इस हार्ड मेटल पे उसने क्या फेंकी? कैथोड रेज। ये कैथोड रेज इस हार्ड मेटल पे फेंकी गई है बेटा, ठीक, ये क्या डाली गई है? कैथोड रेज। तो एक बात बताओ कि जब कभी भी किसी हार्ड मेटल पे कैथोड रेज फेंकी जाती हैं तो क्या होता है? यस दक्ष, बिल्कुल क्लियर, एक्स रेज बनती हैं। यस अमृता, बिल्कुल करेक्ट। क्या होता है कि यहां से एक्स रेज बनी, ये जो बाहर आई वो क्या आई? एक्स रेज। व्हेनेवर अ हार्ड मेटल, किसी हार्ड मेटल पे आप कैथोड रेज फेंकते हैं तो क्या निकलती है? एक्स रेज निकलती है। अब इसने क्या किया? इसने यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया बेटा, ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटली बनाया, और वो ग्राफ किस पे बनाया? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक मास में इसने ग्राफ बनाया अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, जो एक्स रेज हमारे पास बाहर आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी देखनी है विद द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। मेटल का एटॉमिक मास चेंज करते रहना है और हमने देखना है ये फ्रीक्वेंसी कितनी निकल रही है। तो उसने क्या पाया कि ये जो ग्राफ, जो कि एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, जैसा कि मेंडलीव ने सजेस्ट किया था कि प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास। तो जैसे एटॉमिक मास बढ़ता था वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे बढ़नी चाहिए थी, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। बट व्हाट ही फाउंड, कि ये जो आपका ग्राफ आ रहा है उसके जो पॉइंट्स होते, ग्राफ पॉइंट से बनता है ना बेटा, ये पॉइंट्स इस लाइन के आसपास आ रहे हैं, they are not clearly giving us a straight line, ठीक, ऐसे ये points उसके आसपास आ रहे हैं, but they are not clearly giving us a straight line,
तो इसको लगा कि हो ना हो एटॉमिक मास पे प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिपेंड शायद नहीं करती, क्योंकि तभी ये स्ट्रेट लाइन ना आके उसके आसपास थोड़ी सी आ रही है, बट फिर भी काफी हद तक ये स्ट्रेट लाइन के पास पास थी। तो इसमें डाउट नहीं था कि एटॉमिक मास पे प्रॉपर्टी डिपेंड कर सकती है। उसने ट्राई किया, क्या कोशिश की कि यही ग्राफ उसने बनाना चाहा विद दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी का अंडर द रूट, किसके साथ बनाना चाहा, एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ विच इज जेड। जैसे एटॉमिक मास को आप ए बोलते हो, एटॉमिक नंबर को आप जेड बोलते हो। और पाया क्या कि अब जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और जो पॉइंट्स हैं वो इस स्ट्रेट लाइन पर ही आ रहे हैं। ठीक है जी, यानी एटॉमिक मास का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर ये आ रहे हैं। तो उसने एक रिलेशनशिप डिवेलप किया कि अंडर रूट ऑफ म्यू, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी, जेड माइनस बी। नाउ व्हाट इज जेड, जेड इज एटॉमिक नंबर एंड बी इज अ कांस्टेंट। इसको बाद में हमने स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोला। क्या बोला, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोला। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होता है आगे समझाऊंगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटाया जाता है तो अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस ए बी, ए इंटू जेड माइनस बी। ये बन गया हमारे पास ए इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ए इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली हमें स्ट्रेट लाइन बता रहा है, दिस इज गिविंग अस स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रहा है हमारे को। ये समझ में आई मेरी बात, तो मे नॉट बी ओरिजिन से स्टार्ट होता होगा शायद, ये थोड़ा ऊपर से होता, लेकिन इट विल गिव अ स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली विल गिव अ स्ट्रेट लाइन, ये श्योर है। अब ये ग्राफ क्या कहता है, क्या होता है वो बात की बात मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे z मैंने कहा एटॉमिक नंबर है और b स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, तो z माइनस बी इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Now, what do you mean by effective nuclear charge? क्या मतलब होता है effective nuclear charge? बेटे देखो, अगर हमारे पास एक एटम ले लिया जाता है, ठीक? ये मान लो एक एटम है, और ये इसकी कुछ शेल्स हैं, ये एक शेल, ये मान लो दूसरी शेल है, और ये मान लो तीसरी शेल है, ठीक है? अब हमें पता है पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो यहां पे मान लो कोई दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस शेल के अंदर, वो कहीं पे भी हो सकते थे, मैं सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूं। उसके अगली शेल में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि सेकंड शेल में 2s एंड 2p दोनों आते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बेटे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज फील करते, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो अपने आप खींचेगा ना इसको। तो बेटे जो न्यूक्लियस का चार्ज है जितना है, क्या वो एग्जैक्टली ये वाला इलेक्ट्रॉन उतना ही न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको स्क्रीन कर देंगे, छुपा देंगे, तो न्यूक्लियस का जितना चार्ज लगना चाहिए था उतना चार्ज इस पे नहीं लगेगा। स्क्रीन का मतलब छुपा देना, जैसे मान लो पांच सीट्स हैं, पांच सीट्स पे बच्चे बैठे हैं और एक मूवी देख रहे हैं, तो जो सबसे पिछली सीट पे है उसको अगले वाले बच्चे छुपाएंगे ना बेटा, उसको पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, बशर्ते सीट्स यूं ना हो, अदरवाइज पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा। तो अंदर वाले बच्चे बाहर वाले बच्चों को क्या कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं,
बेटा प्लीज अपने माइक हमेशा मोड म्यूट पे रखा करें प्लीज, ठीक है? दूसरे बच्चे परेशान होते हैं उससे। तो देखो हमारे पास क्या है, मैं खुद नहीं करता, मैं खुद भी कर सकता हूँ, कंट्रोल तो सारे मेरे हाथ में है, पर मैं इसलिए नहीं करता कि चलो यार इट इज अप टू स्टूडेंट्स, और बाद में जब भी मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना होगा मेरे को आपको अनम्यूट करना होगा तो मुश्किल होती है, पर आप खुद ही समझ लिया करें। सो एनी हाउ अब देखें कि क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या ये न्यूक्लियस का पूरा चार्ज फील करेगा? नहीं करेगा। न्यूक्लियस का पूरा चार्ज किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज एटॉमिक नंबर के बराबर। और अंदर के इलेक्ट्रॉन कुछ स्क्रीनिंग की वजह से, छुपाने की वजह से ये न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देंगे, और उस स्क्रीनिंग को हमने उसकी वैल्यू को बी बोल दिया, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट बोल दिया। समझ में आई बात? तो न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग खत्म हो गई तो इसको जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उसने ये पाया कि जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है एक्सरे की, वो अगर जेड के साथ ग्राफ बनाते हैं तो लगभग स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक। इट एक्चुअली इज प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मोर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। अब ये तो उसका एक्सपेरिमेंट हो गया, बट इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज उससे ये निकल गई कि एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर इज अ बेटर प्रॉपर्टी। ये पीरियोडिसिटी को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करती है देन दैट ऑफ एटॉमिक मास। तो उसने कहा कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो क्या था? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बोलता है इसमें थोड़ी गलती है, अगर ऐसा होता तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता, पर ऐसा नहीं है। वो एटॉमिक नंबर के लिए स्ट्रेट लाइन जरूर आ रहा है लेकिन एटॉमिक मास के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा। समझ में आई बात? इस वजह से बेटे उसने क्या किया, क्या कहा उसने, कुछ इस तरह से कह दिया मेरे बच्चे कि एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। उसने मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को चेंज कर दिया और एक नया लॉ दे दिया जिसको बोला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स नॉट एटॉमिक मासेस। यानी उसने यह बता दिया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती किसी भी एलिमेंट की वो एटॉमिक मास पे ना डिपेंड करके उसके नंबर पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो ज्यादा सूटेबल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर होगी देन दैट ऑफ एटॉमिक मास। बोलो मोस्लेज एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया? जल्दी यस और नो लिखो, मोस्लेज एक्सपेरिमेंट क्लियर? ओके, तो आपका मैक्सिमम का जवाब आ गया यस। अब इससे हमारे पास ये क्लियर हो गया कि एटॉमिक नंबर कैन बी अ बेटर प्रॉपर्टी एंड वी कैन मेक पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक। उस वजह से बोहर ने इसके साथ मिलके, मोस्ले के साथ मिलकर के एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको बोहर्स टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला करते थे। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बना, किसने बनाया, क्या तरीका है, ठीक। ये मिटा देता हूं, होपफुली आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ खींच लिया होगा।
चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोहर टेबल का नाम भी दिया गया है, बोहर टेबल, क्योंकि ये नील बोहर ने बनाया था विद दैट ऑफ मॉसले। ठीक, मॉसले के साथ मिलके नील बोहर ने अपना एक टेबल बनाया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। बेटे ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास होता है, इसमें आइडिया तो मेंडलीव वाला ही यूज हुआ, वैसे ही ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए गए। ठीक, जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो हमारे पास आया, पहला ग्रुप, ठीक, ग्रुप डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पीरियड। जैसे मेंडलीव ने बोला था कि जो डाउनवर्ड वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, और जो हमारे पास बट यू कैन से पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बेटे, पहला ग्रुप तुमने बनाया, याद रखने की बात आसानी से मैं कुछ एक चीजों के आपको बना के बताऊंगा, निमोनिक्स, ठीक, आप अपने आप बनाइएगा, दैट इज फार बेटर, किसी का बनाया यूज करना, उससे क्या होता है कि हमें फिर रट्टा मारने की आदत है, हम अपना बनाने की कोशिश करेंगे। येट मैं आइडिया देता हूं, हमें सारा पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए बेटा, और वो आज बताऊंगा कैसे पता होगा। देखो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे यहां पे पहला ग्रुप है ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये ग्रुप नंबर वन है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ऐसे याद कर सकते हो, है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है जी, ये ग्रुप नंबर वन है, दिस इज ग्रुप नंबर वन। ठीक है जी, अब ग्रुप नंबर टू जो है, ठीक, उसमें हम याद करेंगे यहां से बे गम का सर बड़ा, बेगम का सर बड़ा, ऐसे याद रख सकते हैं, बेगम का सर बड़ा। ठीक है, यानी पहला था है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रूबीडियम सीजियम फ्रेंडशिप, यहां है बेगम का सर बड़ा। तो बेटा देखो, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड रह गया, ये हमारे पास सेकंड पीरियड रह गया, ठीक है जी। अब कुछ जगहें मैं छोड़ के चल रहा हूं, वो आगे बताऊंगा क्यों छोड़ा है मैंने इसको। ठीक है जी, अब यहां आ जाते हैं, यहां पे हम शुरू करेंगे यहां से बोल अटल गाएगा इन थाईलैंड। ठीक है जी, बोल अटल गाएगा इन थाईलैंड, जस्ट अ सेकेंड, पूरा बनाएंगे अपन इस पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, अब ये थर्ड ग्रुप हमारे पास आया, बीच में जगह छोड़ी है मैंने थोड़ी सी, क्यों छोड़ी है वो आगे समझा दूंगा आपको। मैंने कहा कि ये आपका थर्ड ग्रुप है, देखो बेटा ध्यान दे रही है, इसको हम लोग, ये जो पहला है इसको फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं, और या फिर इसको वन ए ग्रुप बोलते हैं, वन ए जो मेंडलीव ने दिया था ना बेटा, 1A,
ये जो है हमारे पास ये सेकंड ग्रुप है या जिसको अपन 2A बोलते हैं, ये हमारे पास बेसिकली 13th ग्रुप होता है या जिसको 3A बोलते हैं। ठीक, बोरोन के बाद हमारे पास अगला जो आ जाता है वो आता है क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी, क्या सीता गीत सुनकर पढ़ेगी। अब पता नहीं पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, हम तो पढ़ाएंगे ना, तो क्या सीता गीत सुन के पढ़ेगी, ये हमारे पास आ गया 14th ग्रुप। दिस इज 14th ग्रुप और यू कैन सी 4A ग्रुप। याद रखो मेंडलीव ने ए और बी दो ग्रुप बनाए थे ना बेटा जी, ये वही दो ग्रुप चल रहे हैं ए और बी वाले। ठीक, उसके बाद हमारे पास आया न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, ऐसे करके याद कर लेने का। तो न्यूज पेपर आज सब बिकेगा, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई हमारे पास। ठीक है जी, और ये नाइट्रोजन फैमिली है ये 15th ग्रुप में आई या इसको अपन 5A ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आती है ऑक्सीजन फैमिली, उस से टेपो, बोलो सर ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, नहीं उस से टेपो। ठीक, तो टेप लो भैया फटाफट से इसको भी, तो ये आया उस से टेपो, यानी ये 16th ग्रुप है बच्चे। ठीक, और 16th ग्रुप जो होगा इसको अपन 6A ग्रुप भी बोल देंगे या 16th ग्रुप भी बोल देंगे। उसके बाद आया बेटा आपके हैलोजन फैमिली यानी फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई आत्मा, कई लोग बोलते फिर कल बाहर आई आंटी, आ जाए कोई तो आया बाहर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अगला ग्रुप हमने याद किया, फिर कल बाहर आई आत्मा, या बोल सकते फिर कल बारात आई अटल की, अरे मैंने बोला अपने निमोनिक्स बना लो कोई नए ताजा ताजा, ठीक, ताकि आपको अपने आप याद रहे। तो ये 17th ग्रुप था, और या फिर इसको हम 7A ग्रुप बोल देते हैं, 7A ग्रुप बोल देते हैं। उसके बाद 18th ग्रुप, इसके एक ऊपर से शुरू करेंगे बेटा। ठीक, हीलियम, हिमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया, हिमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया, या बोल सकते हैं हेमंत ने अरेंज करके 0 रन बनाया। ठीक, अरे मैंने बोला अपने आप बना लो, हेमंत ने अरेंज करके 0 रन बनाया, और या फिर हिमायूं ने अकबर को जोर से रुलाया। ये हमारे पास 18th ग्रुप या फिर 8A ग्रुप कहलाता है, 8A ग्रुप कहलाता है। ठीक है जी, अब हम बीच वाली चीज को भरने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक, यहां ये छोड़ देते हैं और यहां से शुरू करते हैं मैग्नीशियम स्टार। पहला आएगा स्कूटर यहां ला अकड़ू, ठीक है जी, स्कूटर यहां ला अकड़ू, ठीक है जी। अब ये जो है इसको बेटे अपन लोग 3rd ग्रुप और या फिर 3B ग्रुप बोलते हैं, बी नॉट ए नाउ, इट इज बी। बेटा एनसीईआरटी खोलना, सबसे बड़ा ब्लंडर एनसीईआरटी में ये है कि उन्होंने क्या किया, यहां बी लगा दिया है और यहां ए लगा दिया है, ये गलत है बेटा। अरे बी तो मेंडलीव के वो वाले ग्रुप थे जिसमें हैवी मेटल थे, है ना बेटा, हैवी मेटल थे ना उसमें, तो ये बी वाले ग्रुप होते हैं और ये ए वाले ग्रुप होते हैं बेटा जी। ठीक, हमें याद करना है कि मेंडलीव ने एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांटा था, एक ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में बांटा था, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। बेटा ग्रुप ए में लाइटर एलिमेंट हुआ करते थे और ग्रुप बी में
ग्रुप बी में हैवियर एलिमेंट हुआ करते थे। जस्ट गिव मी वन मिनट। ठीक, हमने यहां स्कैंडियम वाला पढ़ लिया, अब आएगा तीनों जरा हाफते रहे, तीनों जरा हाफते रहे। ठीक है जी, ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे, तीनों जरा हाफते रहे। ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये हमें यहां से नहीं शुरू करना है, ये हमें यहां से शुरू करना है कैल्शियम के बाद। सॉरी जी, दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहां कैल्शियम के बाद हमने शुरू करना था, स्कूटर यहां, ला अकड़ू, और यहां पे आ गया तीनों, तीनों जरा हाफते रहे। ठीक है जी, तीनों जरा हाफते रहे। ठीक, अब ये जैसे ये 3B ग्रुप हमने बोला, हमने कहा कि ये 3B है, तो बेटे ये 3 की जगह 4B होगा। ठीक, अब इसको आप बोलने को फोर्थ ग्रुप बोल सकते हो, बोलने को दिस कैन बी फोर्थ एज दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। बोहर टेबल का ये फोर्थ है, बट मेंडलीव की टेबल का ये 4B ग्रुप है। उसके बाद अगला हमारे पास आ जाता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ठीक, वो है वो नवाब। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका सिग्नल पुअर आ रहा होगा। ठीक, पहले बेटे इसको एक्सक्यूज मी सर करते थे, फिर बाद में इसको डीवी से शो करने लगे। ऐसे करके आप इसके निमोनिक्स अपने आप बनाएं, आगे के निमोनिक्स खुद बनाइएगा, मैं लिख के जरूर दे रहा हूं। ठीक, यहां पे ये फिफ्थ ग्रुप होगा और इसको फिफ्थ बी भी बोला जा सकता। अपना माइक ऑफ रखें प्लीज, अभी फोकस में गड़बड़ है तो सही कर देते हैं दोस्त। लो अब देखो अगला, करो मरो वरना सो जाओ, ऐसे तो करना है ना हमें। अरे फिर से बता दिया मैंने तुम्हें, निमोनिक अपने अपने बनाओ। ठीक, इसको अपन सिक्स ग्रुप, सिक्स बी ग्रुप बोलेंगे या सिक्स ग्रुप बोल देंगे। इसके बाद मैंगनीज फैमिली अब नहीं बताऊंगा, अपने आप बनाओ। ठीक, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रीनियम और लास्ट में बोहरियम। ये मैंगनीज फैमिली, ग्रुप नंबर कौन सा हुआ, सेवन, या फिर सेवन बी। ठीक है जी, उसका आयरन फैमिली, आयरन फैमिली बेटा मैंने बोला क्वेश्चन बाद में पूछना मेरे बच्चों। ठीक बेटे, देखो ऐसा है, अभी उस चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, सीधा उल्टा पूछा सीधा, आपको दिख रहा है ना, दैट्स ऑल। ठीक, अब हमारे पास क्या आएगा आगे, आयरन Fe, ठीक, रूथेनियम, ऑस्मियम और इसके नीचे हैसियम करके एक होता है HS। ठीक है जी, ये आयरन फैमिली हो गई। ठीक, इसको आयरन फैमिली बोलते हैं। अब मजे की बात देखना यहां पर, थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। ठीक, ये कोबाल्ट फैमिली हो गई, उसके बाद निकल, अपने आप बनाने इसके निमोनिक्स। ठीक, अब बेटे मेंडलीव के लिए अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं, मेरे लिए ये ग्रुप कौन सा, बोहर के लिए ये आठवां, नौवां और दसवां ग्रुप है, लेकिन याद करना कि मेंडलीव के लिए ये एट ग्रुप हुआ करता था पूरा का पूरा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइड्राइड गैप, तीन तीन एलिमेंट्स का मिलकर बना था ना, वो ये थे आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली, निकल फैमिली, इसलिए पूरा एट बी है। और ये मेरी बात का प्रूफ है कि एनसीईआरटी ने इसको गलत लिखा है बेटा,
ठीक, एनसीईआरटी में इसको ए ए ग्रुप लिखा है जबकि ये बी बी ग्रुप होते हैं, ये मेंडलीव वाले हैं। ठीक, इससे भी बड़ा प्रूफ और दूंगा मैं आगे आपको। ठीक, इसके बाद निकल के बाद हमारे पास कौन सी फैमिली आई, ऑब्वियसली कॉपर फैमिली। ठीक, कॉपर फैमिली की बात करते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड। ठीक, कॉपर सिल्वर गोल्ड और लास्ट में आरजी करके एक एलिमेंट होता है जो अभी भी डिस्कवर हुआ है। ठीक, ये जो हमारे पास आया बेटा, इसको हम 11th ग्रुप तो बोलते हैं, दिस कॉल्ड एज 11th ग्रुप, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1B ग्रुप। याद करना, मेंडलीव में फर्स्ट ग्रुप के अंदर 1A ग्रुप में थे लिथियम सोडियम पोटेशियम और बी में क्या थे, कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो बी होना चाहिए ना, होना चाहिए ना बी, इसका मतलब ये बी थे, ये ए नहीं था, और एनसीईआरटी इसको गलत लिख देती है। ठीक, आप बिल्कुल सही करिएगा। और लास्ट में आया जिंक, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, और यहां पे एक सी एन करके हम लिखते हैं बेटा। ठीक, ये भी अभी नए नए डिस्कवर हुए हैं, इसको कोपमीशियम बोलते हैं, सी एन। ठीक, तो कोपेनमीशियम करके कुछ ऐसे है, कोपेनमीशियम। ठीक, ऐसे करके ये एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है। इसके बाद डिस्कवर हुआ आर एन एच। ठीक, इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, एफ एल, क्योंकि ये बहुत जगह पे आपको मिलेंगे, बहुत जगह पे नहीं मिलेंगे, एम सी। ठीक है जी, उसके बाद एल बी, ये याद रखने की जरूरत नहीं, ऊपर वाले याद रखना। ठीक, टी एस ओ जी। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारा मेन बॉडी आ गया। ठीक, और हमारे पास ये 12th ग्रुप हुआ, या जिसको सेकंड बी बोलते हैं, यानी बीच वाले बी ग्रुप्स हैं ये वाले, और ये वाले ए ग्रुप्स हैं। इसके अलावा क्या हुआ बेटा, कि हमने दो ऐसे ग्रुप्स, दो ऐसी सीरीज नीचे निकाल के रखी हैं अलग से बोहर में। ठीक है जी, इसमें दो ऐसी सीरीज हैं, ये टू सीरीज है जिसमें 14 एलिमेंट है। ठीक, अब वैसे इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बट मैं लिख देता हूं, आप अगर कोई बना सको निमोनिक तो जरूर बनाइएगा। यहां सीरियम से शुरू होता है, सीरियम से शुरू होता है, फिर प्रोमीथियम आता है। ठीक, प्रेस बायोपियम, फिर एनडी। ठीक, फिर हमारे पास प्रोमीथियम पीएम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सामेरियम एस एम। ठीक, यूरोपियम ई यू। ठीक है जी, और उसके बाद गैडोलिनियम जी डी। ठीक, उसके बाद बेटे जी डायस्पोरियम, उससे पहले टर्बियम टी डी, डायस्पोरियम डी वाई। ठीक, फिर हॉर्नियम एच ओ, फिर अर्बियम ई आर। ठीक, फिर क्यूलियम बोलते हैं इसको, पी एम। ठीक, फिर यटर्बियम वाई बी, एंड ल्यूटेशियम एल यू। ये 14 एलिमेंट अलग से निकाल के रखे हैं, सिमिलरली यहां पे भी कुछ एलिमेंट अलग से निकाल के रखे होंगे, एक्टिनियम के बाद थोरियम। ठीक, पी ए, यूरेनियम,
नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एनरिकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीबियम, देन नोबेलियम एंड लास्ट में लॉरेंसियम। ये 14 हमने बाहर निकाल के रखे हैं बेटा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास हैं, इनको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक, थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमने यहां पे एलिमेंट रखे थे इन ऑर्डर ऑफ देयर, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और उसके बाद सीधे यहां पे हीलियम का 2, लिथियम 3, ये 4, बोरोन 5, 6, 7, 8, 9, 10, सोडियम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 गैलियम, 32 जर्मेनियम, 33 आर्सेनिक, 34 सिलेनियम, 35 ब्रोमीन, 36 क्रिप्टॉन, फिर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 52, 53, 54. अब ध्यान से देखना, अब यहां पे झोल है। 54 के बाद 55, 56, 57 और 57 के बाद, यानी लेंथेनम के बाद, ये एलिमेंट हमने यहां निकाल के रखे हैं, यानी लेंथेनम के बाद निकाल के रखे हैं। ये 58 यहां से शुरू होगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में निकाल के हमने रखे थे, इसलिए बेटा इनको बाद में हमने लेंथेनाइड्स बोल दिया। क्या बोला? लेंथेनाइड्स बोल दिया। लेंथेनाइड्स को बेटा रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत रेयरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब 71 यहां पे होने के बाद सीधे यहां दोबारा हाफेनियम 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. अब यहां आ जाओ 87, 88, 89 और 89 के बाद एक्टिनियम के बाद फिर से कुछ एलिमेंट निकाल के हमने यहां रखे हैं, यानी 89 के बाद 90 ये नीचे आ गया, ये 91, ये 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 102, 3 और फिर यहां शुरू हो गए दोबारा से 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117 and 118. ठीक, अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर ये बाहर निकाल के क्यों रखा, इसको इसके आगे क्यों नहीं शुरू किया। बेटे अगर इसको इसके आगे शुरू कर देते तो क्या होता, पीरियोडिक टेबल बहुत अनड्यू एक्सपेंड हो जाता, इसकी एक्सपेंशन हो जाती, बहुत लंबा बहुत बड़ा सा बन जाता। ठीक, तो इसलिए इसको निकाल के बाहर रखा है, उसके बारे में और भी बहुत कुछ आके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो बेटे, जो हमारे पास ये मॉडल था ये बोहर का दिया हुआ मॉडल है, और मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। आप कभी किसी बुक को देखिएगा, किसी टीचर से पढ़िएगा, तो आपको क्या बताएंगे, जो आज हम पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल देंगे और बोहर का टेबल बोल देंगे। गलत हो गया, ठीक, गलत हो गया। क्यों बेटा, आज जो हम यूज करते हैं हम इसी की एक्सटेंशन यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये बेटा दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, रैंक एंड बर्नर, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये दिया है बेटा। अब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, बुक्स में भी ऐसा दिया रहता है। मैं अभी प्रूफ करता हूं ऐसा क्यों नहीं है और जो मैं बोल रहा हूं वो सही क्यों है। ठीक, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कोई बात नहीं अनिश, अब जैसा है बेटा वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद दैट। ठीक है, जैसा भी है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ टेक्नोलॉजी में बच्चे। ठीक, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट सर्विसेज दे सकूं, बट जो नेटवर्क है उसके वो मेरे हाथ से बियॉन्ड है। ठीक, पढ़ाना मेरे हाथ में है, ठीक, लेकिन नेटवर्क मेरे हाथ से बहुत बियॉन्ड की बात है, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको जितना अच्छा दे सकूं उतना बढ़िया दे सकूं। हालांकि सारे बच्चे लिख रहे हैं सर इट इज वेरी क्लियर, हो सकता है किसी एक आधे बच्चे को क्लियर ना भी हो, ऐसा कोई डिनाई नहीं करता हूं, उनके नेटवर्क या मेरा नेटवर्क वहां तक नहीं हो रहा, कुछ भी है, व्हाटएवर। अब देखो बेटे, ध्यान देंगे इधर क्या है कि इसमें ये जो पहले दो ग्रुप है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, रैंग एंड वर्नर ने क्या कहा, रैंग एंड वर्नर ने इस फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को मिला के बोला एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक इसलिए बोलते हैं कि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाते हैं। जैसे अगर आप सोडियम लिथियम पोटेशियम की कंफिग्रेशन लिखें तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, जैसे हाइड्रोजन का 1s में, 1s1, इधर 2s1, इधर 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 में गया ना, किस में गया, एस में गया, तो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये आ जाएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। ठीक बेटा, तो ये दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट है, और एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा बेटा, एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns1 और 2, n यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक, कौन सा, जैसे यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब हमें पीरियड्स बताता है, ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पे n की वैल्यू 1, तो 1s, 2s, 3s, 4s, ऐसे करके। अब इसमें पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दूसरे वाले में 2 हो सकता है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, ns1 और ns2, ये s ब्लॉक एलिमेंट। ये जो हमारे पास इस साइड जो हमने 13th ग्रुप को पहले मैंने बनाया था अलग से, ये सारा का सारा पार्ट, इसको रैंग एंड वर्नर ने बोल दिया कि ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको बोल दिया पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
क्यों बोला पी ब्लॉक? क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाते होंगे, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते होंगे। ठीक, समझ में आया? अब इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बेटे वो होती है NS2NP126। पी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP126। आप देखो इसके अंदर कितने सिक्स ग्रुप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो NS तो यहां दो भर गए थे, उसके बाद P1, P2, P3, P4, P5, P6, तो P1 से लेके 6 तक होगा। ठीक, तो कहने का मतलब रैंग एंड बर्नर ने इसको पहले S ब्लॉक और इसको क्या बोला P ब्लॉक। बेटा मैंने बोला क्वेश्चन अभी मैं पूछूं, जब मैं बोलूंगा तब पूछना, मैं बार बार पीछे नहीं देख सकता इसको। ठीक, जब मैं पढ़ा लूंगा उसका क्वेश्चन पूछना। जी सर, अब यहां से यहां तक चले ये, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाया करते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गए। समझ में आई? और डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D 1 to 10 NS2। अब सर ये क्या बला हो गई? बहुत इजी है समझना। जैसे मान लो तुम क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हो मेरे साथ, तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? आर्गन के बाद 3D5 4S1, यही लिखते हो ना। अब देखो बेटा, अगर S के आगे 4 आया तो D के आगे 3 आएगा, यानी D के आगे S वाले नंबर से कम करके है, तो इसीलिए S के आगे अगर N आया तो उसमें से एक कम करो N-1, वो D आएगा। जैसे यहां पे यहां 4S आया तो यहां 3D आएगा, यहां अगर 5S आता तो यहां 4D आना था, यहां अगर 6S आता तो यहां 5D आना था, यानी D के आगे का नंबर S के नंबर से एक कम होगा। इसलिए हम कई बार ऐसा बोला करते हैं कि D सबशेल इज सेकंड लास्ट शेल, D सबशेल इज सेकंड लास्ट शेल। अरे मेरे बच्चे, यहां 4S है ना और यहां 3D है, तो यहां 4 है तो यहां 3, एक कम है ना, तो यहां पे N अगर होगा तो यहां से N में से एक कम कर दो N-1 D 1 to 10। 1 to 10 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां 10 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। D में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, पहले में 8D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, और NS2 तो यहां भर ही चुका है। पर जो N का नंबर होगा S के आगे जो होगा उसमें से एक माइनस करके किसमें लिखेंगे? D में लिखेंगे। तो मतलब ये हो गया, तभी मैंने बोला N-1 D 1 to 10 और NS2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन। पेपर में बड़ी बात पूछी जाती है। अब ये जो नीचे हमारे पास बना D, अब ये पता चल गया ये S ब्लॉक एलिमेंट, ये D ब्लॉक एलिमेंट, ये P ब्लॉक एलिमेंट। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गए तो S ब्लॉक, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन P में गए तो P ब्लॉक, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D में गए तो D ब्लॉक। ठीक, और ये अलग क्यों किया था, ये अलग क्यों किया था, उसका रीजन अब क्लियर होगा। हमें क्या ये चीटियां काटता था जो अलग कर दिया हमने, कोई तो वजह होती होगी। इसको अलग क्यों किया बेटा? दीज आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं, ये एफ ब्लॉक है। ठीक, और एफ ब्लॉक जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 और 1 और आगे NS2। सर कुछ थोड़ा सा समझा दो। तो समझो बेटा, थोड़ा सा समझाऊंगा क्या, बहुत सारा समझाऊंगा। ठीक, हमारे पास सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन में लिखना चाहता हूं 58, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन होगी 4F1
5d1 6s2, ये कंफिगरेशन इसकी आएगी 4f1 5d1 and 6s2। आप एक बात ध्यान दो, अगर s के आगे 6 है तो d में एक माइनस करना होता है तो क्या आएगा 5, और f में एक और माइनस करना होता है तो क्या आएगा 4। तो अगर ये 6 है तो ये 4 है, दो का फर्क है कि नहीं, इसलिए अगर वहां n है तो यहां n माइनस 2 है। d के आगे हमेशा n माइनस 1 लिखता है, f के आगे हमेशा n माइनस 2 लगता है, जबकि s और p के आगे n लगता है, n इज प्रिंसिपल क्वांटिटी। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि f सब शेल इज सेकंड लास्ट शेल, जैसे बोला d इज सेकंड लास्ट पेनल्टीमेट, f एंटी पेनल्टीमेट थर्ड लास्ट शेल, f एंटी पेनल्टीमेट, यानी अगर s 6 है तो d 5 होगा और f 4 होगा। समझ में आ गई बात? यानी अगर s के आगे n होगा तो d के आगे n माइनस 1 होगा, तो f के आगे n माइनस 2 होगा, और क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स f में 14 जाते ना, इसलिए f n माइनस 2 f 1 टू 14 है, और ये लैंथेनम वाला 1d इलेक्ट्रॉन है, और फिर उससे पहले ns वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन दोबारा ध्यान दो, अगर हम बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट तो ns1 और ns2, p ब्लॉक एलिमेंट ns2 np1 to 6, d ब्लॉक एलिमेंट n minus 1 d 1 to 10 ns2, और बेटा f ब्लॉक एलिमेंट n minus 2 f 1 to 14 n minus 1 d 0 to 1 ns2। अब जो तुम्हें बोलते हैं कि ये बोहर का टेबल है, उनसे एक बात पूछना, क्या बोहर को spdf पता था? क्या बोहर को ऑर्बिटल सबशेल पता थे? अगर बोहर को ऑर्बिटल सबशेल पता होते तो क्या उसका मॉडल गलत हो जाता? नहीं होता ना। अरे उसको थोड़ी पता थे यार। ये तो ठीक है, बोहर के मॉडल को आगे, बोहर का जो टेबल था उसको आगे ब्लॉक्स में बांटा गया, और वो बांटा रैंग एंड वर्नर ने, इसलिए जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन है जिसमें ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये बेटा रैंग एंड वर्नर का दिया हुआ टेबल है, जो कि आपको किताबों में भी नहीं मिलना पुत्र, की रैंग एंड वर्नर ने दे रखा है, ठीक है। बट एनी हाउ आई एम देयर फॉर यू। अब देखो बेटे, ये तो हमने इसको ब्लॉक्स में बांटा, अब चंद इंपॉर्टेंट बातें और समझेंगे इसके बारे में। आज तो अपना यही काम है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो भाई, ये जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, इस फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। बेटे मैंने आपको याद करवाया था कि फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल, एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको अगर हम वाटर में डालें तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन देते हैं। एल्कलीज होते हैं बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एल्कलीज क्या होते हैं? बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा फर्स्ट ग्रुप वाले जो एलिमेंट थे, लिथियम को अगर वाटर में डाला, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, बेस होता है वो। सोडियम को वाटर में डाला, NaOH बनेगा, NaOH बेस होता है। तो यानी ये एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, फर्स्ट ग्रुप वाले एल्कली मेटल्स, बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशंस इन वाटर। दूसरे जो ये है, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। सेकंड ग्रुप वालों को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेकंड ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों भाई? अब कई लोग बोलते हैं ये भी एल्कलाइन सॉल्यूशन तो बनाते, कई लोग बोलते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो उनसे पूछना, आयरन का पेड़ पे लगता है या आयरन की बारिश होती है, प्लेटिनम की बारिश होती होगी, अरे वो भी तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो फिर इनको अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, इनको क्यों नहीं बोलते हैं? बेटे एक्चुअली अर्थ का मतलब ये नहीं था, एक्चुअली अर्थ का मतलब हुआ करता था भारी, क्योंकि ये इसके मुकाबले थोड़े भारी थे। एल्कलाइन सॉल्यूशन तो बनाते थे बट ये भारी एलिमेंट थे, ठीक, इसलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला। नो डाउट ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं,
मैं इसमें कोई गलत नहीं कह रहा हूं कि अर्थक्रस्ट में नहीं पाए जाते, अर्थक्रस्ट में पाए जाते, पर अर्थक्रस्ट में तो और भी पाए जाते हैं, उसकी वजह से अर्थक्रस्ट में बोलना वो ठीक नहीं होगा बेटा। अर्थक्रस्ट में डेफिनेटली ये पाए जाते हैं, ये श्योर है ठीक, बट ये हैवी भी होते हैं इसलिए इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको बेटे बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक। अब आप मेरे से पूछोगे कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है बेटा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिटिंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल बिहेवियर, प्रॉपर्टीज चेंजिंग फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटालिक बिहेवियर, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। पर याद रखना जिंक कैडमियम एंड मर्करी दो दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिंक कैडमियम एंड मर्करी दो दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, डी ब्लॉक है बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, उसका रीजन आगे कभी समझाऊंगा, अभी कोई परेशानी नहीं लेना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एक्चुअली मैं बता ही देता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक्चुअल डेफिनेशन होती है विच कंटेन्स पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, विच कंटेन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और इसमें फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। तो जिंक कैडमियम एंड मर्करी दो दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट आर नॉट कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ ये जो बोरोन फैमिली है इसको तो सिंपली हम सीधे बोरोन फैमिली ही बोल देते हैं, कोई ज्यादा पंगा ही नहीं है। अगली कार्बन फैमिली है, कोई टेंशन ही नहीं है, कार्बन फैमिली लिख के लिख दिया। उसके आगे नाइट्रोजन फैमिली है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम दिया जाता है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली इज कॉल्ड एज निकोजन्स, PNICHOGEN, निकोजन, ई साइलेंट है, PNICHOGEN, निकोजन्स बेटा, निकोजन्स का मतलब होता है सफोकेटिंग कंपाउंड बनाने वाले, एक्चुअली दे फॉर्म सफोकेटिंग कंपाउंड्स, जैसे अमोनिया इज सफोकेटिंग, फॉस्फीन इज सफोकेटिंग, दम घोटती है, इसलिए नाइट्रोजन फैमिली जो होती है उनको निकोजन्स बोलते हैं ठीक, यानी सफोकेटिंग कंपाउंड बनाने वाले। ये शब्द नियोंग से यूज हुआ, नियोंग सफोकेटिंग होता है और जंस बनाने वाले, तो सफोकेटिंग कंपाउंड बनाने वाले निकोजन्स होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, उससे टेपो बेटा, ऑक्सीजन फैमिली को एक और नाम देते कैल्कोजन्स, कैल्कोजन्स बेटे लिखने में आएगा चैल्कोजन्स, बोलेंगे कैल्कोजन्स, सी एच से लिखेंगे कैल्कोजन्स बोलते हैं, लिखेंगे चैल्कोजन्स बेटा। कैल्कोजन्स होते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, क्या होते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। देखो बेटे टेंथ तक तुमने पढ़ा होगा कि हम एलिमेंट्स को निकालते फ्रॉम द मिनरल्स, सारे मिनरल से नहीं निकाल सकते, जिन मिनरल से निकालते हैं उनको ओर बोलते, ओर्स, ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, या एलिमेंट्स आर एक्सट्रैक्टेड, वो ओर्स होते हैं। और ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है क्यों, ओर्स आर आइदर ऑक्साइड्स और दे आर सल्फाइड्स, जो हमारे को ओर्स मिलते हैं ना ज्यादातर ऑक्साइड या सल्फाइड होते हैं, इसलिए इनको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट बोला ऑक्सीजन फैमिली को, कैल्कोजन्स ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। रही बात फ्लोरीन वाली फैमिली, इसको बोलते हैं हैलोजन्स बेटा, हैलोजन्स का मतलब है सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, हैलोजन्स का क्या मतलब है सी, हैलो मतलब सी, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, समुद्र में जितने भी सॉल्ट होते हैं सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड ठीक, वो हैलोजन्स की तो हैं, तो हैलोजन्स आर सी सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, समुद्र के सॉल्ट इसी से बनते हैं।
और ये लास्ट हमारे पास जो है ये नोबल गैसेस कहलाती हैं, जो कि पहले कभी इनर्ट गैसेस बोलते थे, आज इसको नोबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि पहले हम ये मानते थे इसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता, लेकिन आज हमें पता है इसका रिएक्शन होता है, तो नोबल गैसेस कहलाते हैं। अब यहां आ जाते हैं, यहां मैंने बोला था सीलियम वाले जो होते हैं वो लैंथेनम के बाद हमने निकाले, लैंथेनम 57 फिर 58 यहां शुरू हो गया, तो सीलियम वाले जो है वो हमने लैंथेनम के बाद निकाले हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स। और ये जो आपका थोरियम वगैरह ये एक्टिनियम के बाद निकाले गए, तो इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स। ये सारे सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं एक्टिनाइड्स, यानी मैनमेड होते हैं मैक्सिमम, तो ये एक्टिनाइड्स कहलाते हैं बेटा। और एफ्लोट एलिमेंट्स को मिला के हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही तो बाहर निकाले हैं, लैंथेनम के बाद निकाल के बाहर निकला, निकाल के रखा, एक्टिनियम के बाद निकाल के बाहर रखा, तो ये हमारे पास मॉडर्न डे पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किसको क्या क्या बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड एज अर्थली मेटल, सेकंड इज अर्थलाइन अर्थ मेटल, थर्ड से 12 तक दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दो दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एट ऑल। उसका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली कॉल्ड एज नाइकोजेंस, सफोकेटिंग कंपाउंड बनाने वाले, ऑक्सीजन फैमिली कैल्कोजेंस, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, फ्लोरीन फैमिली हैलोजेंस, सी सॉल्ट प्रोड्यूसर एंड नोबल गैसेस। एंड नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट में पहली सीरीज लैंथेनाइड्स, क्योंकि लैंथेनम के बाद है, रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत रेयर पाए जाते हैं, इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। और एक्टिनियम के बाद वाले एक्टिनाइड्स, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बेटा ये तो सारा मैंने समझाया, अब मैं तुम्हें चंद पॉइंट्स लिखवाऊंगा, सेलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक, फटाफट से लिखते जाना, टाइम मत लगाना, मैं लिखूंगा नहीं सिर्फ बोलता रहूंगा, आप फटाफट से लिखते रहना, ठीक, कि हमें ये पता चल जाए इसकी सेलेंट फीचर क्या है। पॉइंट वन, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द एक्सटेंशन ऑफ, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स टेबल, बोहर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकेंड पॉइंट, इट वॉज गिवन बाय रैंग एंड वर्नर, या इट वॉज डिवेलप्ड बाय रैंग एंड वर्नर, बोलो डिवेलप्ड बाय रैंग एंड वर्नर। इट वॉज डिवेलप्ड बाय रैंग एंड वर्नर। It contains 18 groups. वो देखो पूरे 18 ग्रुप है कि नहीं है। It contains 18 groups and 7 periods. एक दो तीन चार पांच छह सात, 7 periods. can accommodate
118 elements can accommodate 118 elements. So third point एक बार repeat कर दो please. 118 elements. So third point please repeat कर दो. देखो बेटे मैंने पॉइंट्स लिखे नहीं होते, मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूं, तो साथ के साथ ध्यान दो. ऐसे नहीं याद रहेगा थर्ड कौन सा था सेकंड कौन सा था. ठीक, तो मैंने कहा इट कंटेन्स 18 रूप्स 7 पीरियड्स एंड कैन अकोमोडेट 118 एलिमेंट्स. कैन अकोमोडेट 118 एलिमेंट्स. फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड कंटेनिंग टू एलिमेंट्स. फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड कंटेनिंग टू एलिमेंट्स. फर्स्ट पीरियड देखो हाइड्रोजन और हीलियम दो ही है इसमें से. फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट पीरियड. सेकेंड एंड थर्ड आर शॉर्ट पीरियड्स. सेकेंड एंड थर्ड आर शॉर्ट पीरियड्स कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स. कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स ईच. सेकेंड एंड थर्ड आर शॉर्ट पीरियड्स containing 8 elements. Containing 8 elements. Fourth and fifth are long periods. Fourth and fifth are long periods containing 18 elements. Fourth and fifth are long periods containing 18 elements. Sixth is longest. Sixth and seventh likh lo ab to. पहले सेवन कंप्लीट नहीं था, अब सेवन कंप्लीट है. सिक्स एंड सेवेंथ आर द लॉन्गेस्ट पीरियड्स कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स. सिक्स एंड सेवेंथ आर लॉन्गेस्ट पीरियड्स. सिक्स एंड सेवेंथ आर लॉन्गेस्ट पीरियड्स कंटेनिंग 32 एलिमेंट्स. देखो बेटा हमने ये तो लिखा ही 18 और इसमें 14 ये वाले जो नीचे लिखे हैं. पीरियड तो यही है, उसमें से निकाल के नीचे लिखा है हमने ताकि इसकी अनड्यू एक्सपेंशन ना हो जाए पीरियोडिक टेबल की, इसलिए लिखा है इसको. पर 32 एलिमेंट होंगे इसमें. ठीक, तो सिक्स्थ एंड सेवेंथ आर द लॉन्गेस्ट पीरियड्स. नेक्स्ट लिखे इट इज डिवाइडेड इन फोर ब्लॉक्स. इट इज डिवाइडेड इन फोर ब्लॉक्स. It is divided in four blocks. पहला लिखें S block elements. पहला लिखें S block. S block. In which last electron moves in S subshell. In which last electron moves in S subshell. In which last electron moves in which last electron moves in S subshell. General configuration NS1 and NS2. General configuration NS1 or 2.
वो ऊपर वाला लिखना एनएस वन और टू कंटेनिंग ग्रुप वन एंड ग्रुप टू कंटेनिंग ग्रुप वन ब्रैकेट में लिख देना अल्कली मेटल्स कंटेनिंग ग्रुप वन अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप वन एल्कली मेटल्स ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स उसका लिखेगा पी ब्लॉक in which last electron moves in p subshell it contains last electron moves in p subshell it contains ग्रुप 13 to 18 इट कंटेन्स ग्रुप 13 to 18 ये 13 से लेके 18 तक ग्रुप इसमें है जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP1 to 6 जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1 to 6 लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक Containing group 3 to 12 having general configuration n-1 d 1 to 10 N-1D 1 to 10 NS2 group 3 to 11 are called as transition elements zinc cadmium and mercury are d block elements are d block elements but are not transition elements zinc cadmium and mercury are d block elements but not transition elements are d block elements but not transition elements अगला पॉइंट लिखें it is extracted out of d block
as her last electron, as her last electron enters in F subshell, as her last electron enters in F subshell, having general electronic configuration, having general electronic configuration, n minus 2 f 1 to 14, n minus 2 f 1 to 14, n minus 1 d 0 or 1, n minus 1 d 0 or 1, and ns 2, again ns 2, n minus 2 f 1 to 14, n minus 1 d 0 or 1, ns 2. It contains two series. It contains two series. One after lanthanum, one after lanthanum are called lanthanides. One after lanthanum is called lanthanides. One after lanthanum is called lanthanides. And another after actinium, and another after actinium called actinides. And another after actinium called actinides. Lanthanides start from atomic number 58. Lanthanide starts from atomic number 58 to atomic number 71. Lanthanide starts from atomic number 58 to atomic number 71. And actinides start from atomic number 90. Beta 57 to lanthanum hota hai bache. 58 se shuru hota hai madhvi lanthanides. Theek? And actinides start from 90. And actinides starts from 90 to 103. To 103. Agla point likhna. S block and P block collectively. S block and P block collectively are called S block and P block collectively. Are called representative elements. S block or P block ko mila diya jaye dono ko. S block or P block collectively are called as representative elements or normal elements.
और नॉर्मल एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स नेक्स्ट पॉइंट लिखना देर आर 92 नेचुरल एलिमेंट्स नोन देर आर 92 नेचुरल एलिमेंट्स नोन देर आर 92 नेचुरल एलिमेंट्स नोन आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 After atomic number 92, they are called as transuranic elements. 92 पे यूरेनियम होता है. यूरेनियम के बाद वाले transuranic elements. After number 92, that is uranium, they are called as transuranic elements. They are called as transuranic elements. They all are man-made. They all are man-made. जो 92 के बाद आते यूरेनियम के बाद सारे man-made है. Two elements before 92. Two elements before 92. Two elements before 92. That is technetium, atomic number 43. Technetium, atomic number 43. And promethium, atomic number 61. Are man-made. मजे की बात ये है कि 92 के बाद तो man-made होने थे ना, पर 92 से पहले भी दो element ऐसे हैं जो man-made हैं. वो कौन कौन से बोले हमने? वो हमने बोले technetium 43, प्रोमीथियम 61. ये पेपर में पूछा जाता है यूरेनियम से पहले जो मैनमेड एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं. 92 एलिमेंट हमारे पास नेचुरल होते हैं, ठीक, और उससे पहले दो हमारे पास जो उसके यूरेनियम के बाद वाले ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट होते हैं और उससे ऊपर दो मैनमेड और रहते हैं, ठीक, और वो दो कौन से होते हैं? टेक्नीशियम एंड प्रोमीथियम. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. There are 11 gaseous elements. There are 11 gaseous elements. And that is, there are 11 gaseous elements, and that is hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, and noble gases. कौन कौन से? Hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine and noble gases. ये 11 gaseous element है, right? 11 gaseous elements. Hydrogen, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine and noble gases. ये gaseous है. There are two liquid elements. There are two liquid elements.
there are two liquid elements, bromine and mercury. There are four semi-solid elements. That is cesium, francium, gallium, thallium. Cesium, francium, gallium, thallium. ये चार सेमी सॉलिड. अब सर सेमी सॉलिड का क्या मतलब है, ध्यान से समझना बेटे. ये जो होते हैं सीजियम फ्रेंसियम, ठीक, गैलियम थैलियम, इसको टेबल पे रखो ना तो सॉलिड है, हाथ में पकड़ो तो लिक्विड है. वो सिल्क चॉकलेट खाते हो ना भाई, सिल्क चॉकलेट जब बाजार से लेते हो सॉलिड होती, हाथ में पकड़ो चिपचिपी हो जाती, मेल्ट कर जाती है. तो ये सिल्क चॉकलेट है अपनी चार, ठीक. कैसे? क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना बेटा, ये 30 डिग्री से अबव, लेकिन 37 डिग्री से कम होता है. इनका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री से अबव लेकिन 37 डिग्री से कम होता है. क्यों ऐसा होता है? देखो बेटा, 30 डिग्री से कम होगा, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, और 30 डिग्री से ऊपर इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट. तो रूम टेम्परेचर में मेल्ट नहीं करेगा, इसलिए टेबल पर रखोगे तो सॉलिड रहेगा. लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, बशर्ते आप बुखार में नहीं है, ठीक. तो आपका जब हाथ पर रखेंगे, अब मेल्टिंग पॉइंट 37 से नीचे है तो मेल्ट कर जाएगा. तो सिल्क चॉकलेट है चार हमारी. तो चार ये सिल्क चॉकलेट कौन कौन सी? सीजियम फ्रेंचियम लीक और थैलियम गैलियम. सीजियम फ्रेंचियम थैलियम गैलियम. थैलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अगला पॉइंट लिखना, थैलियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, thallium is also called as duck-billed platypus of chemistry. Thallium is also called as duck-billed platypus of chemistry. It is also called as duck-billed platypus of chemistry. Duck, समझ में आता, quack quack, D-U-C-K, build, B-I-L-L-E-D, build. Platypus, P-L-A-T-Y-P-U-S, platypus. ओ यार, बायोलॉजी वाले जानते हैं, इसको ऑर्निथोरिंकस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्निथोरिंकस, कनेक्टिव लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. तो थैलियम इज ऑल्सो कनेक्टिव लिंक बिटवीन द मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक, हाँ, एक नहीं मैमल है, बिल्कुल सही है बेटा, पारस बिल्कुल सही बोल रहे हो. ठीक, आगे लिखो. कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स. कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स. दे आर कॉल्ड एज कॉइनेज मेटल्स. कॉइनेज में यही चलता था भाई, या सिल्वर के या कॉपर के या फिर गोल्ड के. आज नहीं चलते पैसे, आज तो कागज चलता है, हरे हरे वाला है ना भाई. वो किसके स्पेलिंग पूछ रहा है भाई? कॉइनेज, कॉइन एज, कॉइन एज. कॉइन एज नहीं थी जब पैसे, वो सिक्के चलते थे, सिक्के. तो सिक्के या कॉपर के होते थे या गोल्ड के होते थे या सिल्वर के होते थे. ओके, तो कॉइन एज मैटर इसको कहता है. हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रोग एलिमेंट. हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रोग एलिमेंट, ROGUE, रोग एलिमेंट. व्हाट द हेल इज रोग? रोग नहीं होता बेटा, ठग, छलिया. तो ये ठग है यार, ठीक. क्यों है वो आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक. तो इसको रोग एलिमेंट बोलते हैं. अब एक छोटा सा होमवर्क देता हूं,
इतना मैंने पढ़ाया, इतना बताया प्रायोरिटी टेबल के बारे में, तुम्हारा भी कुछ फर्ज बनता है, कुछ देखो। तुमने मुझे बताना है हाउ मेनी नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आर देयर, और उनके नाम बताने हैं। हाउ मेनी नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स आर देयर इन द प्रायोरिटी टेबल। प्रायोरिटी टेबल में कितने मेटल्स हैं, कितने नॉन मेटल्स हैं और कितने मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, मेटलॉइड्स बोलते हैं उनको। कितने हैं ये तुमने बताना नाम के साथ। सर कहां से, एनसीईआरटी जिंदाबाद है ना, और कहीं से मत पढ़ना। वैसे एनसीईआरटी में भी गड़बड़ है इसमें, बट तुम एनसीईआरटी वाले याद रखना ठीक। क्या क्या एक्सप्लेन करूं, क्या अक्षांश, क्या रिपीट करूं बेटे। क्वेश्चन बोला आप मेरे को सिर्फ नंबर बताओगे, कितना नंबर नॉन मेटल्स का है, कितना नंबर मेटलॉइड्स का है और कौन कौन से उसके नाम है, और कितना नंबर मेटल्स का है। बस आप मेटल का नाम मत बताना, मेटलॉइड्स का नाम और नॉन मेटल का नाम बता देना, अपने आप बाकी मेटल्स हैं सारे के सारे। कितने नॉन मेटल्स हैं, कितने मेटलॉइड्स हैं, ये बताना है। क्लियर, ये तुम्हारा काम हो गया। तो बेटे ये सारा आपने पढ़ा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसकी सारी विशेषताएं मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, बताया कैल्कोजन किसको बोलते हैं, निकोजन किसको बोलते हैं, हैलोजन किसको बोलते हैं, एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, लेंथेनाइड्स क्यों बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, एक्टिनाइड्स क्यों बोलते हैं, हर एक चीज तो बता दी। तो ये पीरियोडिक टेबल से हमें क्या मेरिट्स हुई, क्या फायदा हुआ, याद करो लेक्चर की शुरुआत ऑफ टुडे ठीक। अभी नहीं पूछा वैभव, जब कर लोगे तब बता देना। मैंने नॉन मेटल्स का पूछा है और मेटलॉइड्स का पूछा, मेटल का तो वैसे भी पूछा ठीक। तो अपन इसकी मेरिट्स की बात कर रहे थे। देखो भाई, जो हमारा मेंडलीव था उसकी पहली गलती थी कि वो पीरियोडिसिटी नहीं बताता। ही कैन नॉट एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी। मेंडलीव कुड नॉट एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। Now, what is periodicity? बेटा periodicity is repetition of properties after a regular interval. Periodicity is repetition of properties after a regular interval. एक regular interval के बाद properties का repeat हो जाना, that is called as periodicity. That is called as periodicity. Periodicity is repetition of properties after a regular interval. एक रेगुलर इंटरवल के अंदर प्रॉपर्टीज का बार बार रिपीट होना, उसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। क्लियर। अब इसका कॉज मेंडलीव नहीं बता पाया था, लेकिन हम बता देंगे, अभी इस टेबल से पता चल जाए। बेटा कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द वैलेंस शेल। जैसे ये एस ब्लॉक में अल्कली मेटल है, तो यहां 1s1, यहां 2s1, यहां 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, सभी में s में एक एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की, लास्ट शेल की सेम है। वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। जैसे लिथियम में भी क्या है, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, S में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, कितने जा रहे हैं, एक एक ही जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है तो प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। सिमिलरली यहां पे बेरिलियम में, यहां देखो 2s2, यहां 3s2, 4s2, 5s2, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, किसमें, S में। तो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाने की वजह से प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। यानी पहली बात, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, repetition of properties after a regular interval. And what is its cause? Its cause is similar electronic configurations after a regular interval. Similar electronic configurations after a regular interval. ये इसका cause हो गया। या बोलिए similar electronic configuration of the valence shell in a group. Similar electronic configuration of the valence shell in the group. So therefore the properties are same. And hence there is periodicity. ठीक, तो पहला drawback खत्म,
दूसरा ड्रॉबैक था आइसोटोप्स की पोजीशन, क्योंकि मेंडलीव की, क्योंकि मेंडलीव का पीरियड टेबल तो किस पे था, एटॉमिक मास पे, और एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर अलग अलग। अब मास नंबर अलग अलग हो तो अलग अलग जगह देनी पड़ती। अब ये तो पीरियोडिक टेबल बना किस पे, एटॉमिक नंबर पे। अब आइसोटोप का तो सेम एटॉमिक नंबर, तो उसको अलग अलग जगह नहीं देनी पड़ेगी, तो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम भी इसने सॉल्व कर दी। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सो दे शुड नॉट बी गिवन डिफरेंट पोजीशंस एज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, एंड दिस टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। क्लियर? तो आइसोटोप की प्रॉब्लम भी दूर हो। तीसरा, एनोलमस पेयर्स, बोला था ऐसे कुछ पेयर होते हैं एनोलमस पेयर्स जिसमें जिसका मास ज्यादा है वो पहले लिख दिया, जिसका मास कम है वो बाद में लिख दिया, इसमें मास का कोई मतलब ही नहीं, इसमें एटॉमिक नंबर के मतलब में है, इसलिए कोई एनोलमस पेयर नहीं है, नो एनोलमस पेयर इज देयर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर नॉट ऑन द मास नंबर। तो तीनों की तीनों वो मेन प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। लेकिन बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एनीथिंग इज आउट ऑफ फ्लॉज एंड एरर इज टू ह्यूमन, है ना, हर चीज में कमी है तो इसमें भी कमी है। अब इसके ड्रॉबैक्स डीमेरिट्स वो लिखें, डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नंबर वन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है समझ लो। देखो बेटे, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और रखा मेटल के ऊपर है, बाकी सारे ग्रुप में मेटल है और ये नॉन मेटल है, प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी ना। मोरओवर ये सारे मोनोटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं, लिथियम Li, सोडियम Na, पर हाइड्रोजन H2, तो इसकी प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी मिलती है, लाइक फ्लोरीन एग्जिस्ट एज F2, क्लोरीन एग्जिस्ट एज Cl2, हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, और जैसे हैलोजन नॉन मेटल वैसे ये नॉन मेटल, तो इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मिलती है, पर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 1s1 वो एल्कली मेटल से मिलती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 1s1 होने की वजह से इसको एल्कली मेटल के ऊपर रखना पड़ा, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा किससे मिलती हैं, हैलोजन से, इसलिए तो इसको रोग एलिमेंट बोला। इसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मिलती है और एल्कली मेटल से भी मिलती है, तो छलिया है, ठग है, दोनों जगह घुस सकता है, ठीक। और रही बात हीलियम, हीलियम की पोजीशन, देखो भाई हीलियम की कंफिग्रेशन है 1s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन एस और रखा किसमें, पी ब्लॉक में, इंटरेस्टिंग, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, एस में, और रखा किसमें है, पी ब्लॉक में, क्यों, क्योंकि नोबल गैस के ऊपर रखना था भाई, ये नोबल गैस है, मजबूरी है, नोबल गैस के ऊपर रखना था, पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के हिसाब से गलत है। तो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज स्टिल नॉट करेक्ट, पहली बात, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इज नॉट स्टिल करेक्ट। अगली बात, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आर नॉट इन द मेन बॉडी, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर नॉट कैप्ट इन द मेन बॉडी, जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है वो मेन बॉडी में नहीं है, बाहर निकाल के रखे, क्यों रखे थे, जस्ट टू स्टॉप द अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल की अनड्यू एक्सपेंशन और लंबा सा बन जाएगा, उसको रोकने के लिए बाहर रखे थे, पर क्यों रखे भाई, है ना। तो ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड अलग से क्यों पढ़ने हमें, ठीक, ये भी हमारे लिए हेडेक है कि मेन बॉडी में नहीं है, ये दूसरा ड्रॉबैक। और सबसे बड़ी बात, इट कैन अकोमोडेट ओनली 118 एलिमेंट्स, इट कैन अकोमोडेट ओनली 118 एलिमेंट्स and nowadays discovered elements are 126. आज 126 एलिमेंट नोन है और इसमें 118 आ सकते हैं, तो बाकी 8 कहां रखूं भाई,
इस वजह से अभी हम एक नया टेबल देना पड़ा जो तुम्हें पढ़ना नहीं, घबराओ नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाओगे फ्यूचर में, सीबोर्ग्स पीरियोडिक टेबल। और फिर याद करोगे अश्विनी सर ने उसी समय बता दिया था एक नया पीरियोडिक टेबल भी है, सीबोर्ग्स पीरियोडिक टेबल जो आ चुका है, जिसमें 126 एलिमेंट रखे, उसमें एक सुपर एक्टिनाइट सीरीज भी है, इसके बाद एक सुपर एक्टिनाइट सीरीज होती है, वो सीबोर्ग पीरियोडिक टेबल। अभी तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी, पर इसका लिमिटेशन है कि 118 एलिमेंट रख सकता, आज 126 एलिमेंट नोन है, तो ये इसके ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक। ठीक, तो बेटा आज के लेक्चर में हमने सिर्फ क्या पढ़ा, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोलते हो आप, सीबोर्ग पीरियोडिक टेबल कुछ हेक्सागन टाइप बनाया गया है, बट एनी हाउ आप अभी उसके बारे में मत सोचें। तो आज हमने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की तार तार कर दी, एक एक उसकी चीज पर डाली, कहां से आया, कैसे आया, ठीक, क्यों आया, क्या क्या चीजें थी, किस किस तरह से थी, ठीक, वो सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, सो आज का लेक्चर तो हम यही छोड़ेंगे, अगली बार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं मेरे को कि क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं,